हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे नेट जेआरएफ का जो पेपर वन है उसकी नोट्स कैसे रेडी करें। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि और नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें पेपर वन में यहाँ 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स के लिए नोट्स कैसे बनाएं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हम किए हैं कि मार्केट से पहले अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग 10 कॉपी रेडी किए हैं। ये 30 पेज का है। तो जैसे कि यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक अलग कॉपी हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए अलग कॉपी हो गया, फिर कम्युनिकेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग। वैसे लॉजिकल रीजनिंग में नोट्स करने जैसा कुछ है नहीं, ये तो प्रैक्टिस से होता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे आप इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सारे यूनिट्स को अलग अलग नोट्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट है, तो आप लोग को दिखाते हैं कि हम नोट्स कैसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पेज में आप कोटेशन देख सकते हैं, माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को देखकर मोटिवेट होते हैं तो आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो इस तरीके से कोटेशन आप भी रखिए, मोटिवेट होकर फिर पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी अवधारणा है। आप नीचे में देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट है, और यहाँ पे हाँ पेपर स्टिक का हम यूज किए हैं। तो ये ना जब रिवीजन करते हैं और कुछ नया दिख जाता है आपको दोबारा से, तो आप उसको साइड पे कहीं यहीं अगल बगल पे आप पेपर स्टिक से उसको चिपका सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद में जब रिवीजन करेंगे ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा, तो आप यहाँ अगल बगल कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज़ किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अवधारणा है, यहाँ परिभाषा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं हैं, फ्लो चार्ट है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण के उद्देश्य हैं, और इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर आप याद कर सकते हैं। ये तो था टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स। आप ऐसे करके अलग अलग नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास सप्रेक्षण कम्युनिकेशन का नोट्स है, किस तरीके से परिभाषा है। अब फ्रेंड्स, पहली बात तो आप उनकी परिभाषा, अर्थ, उनका जो उद्देश्य है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट का बेस होता है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो अब उस सब्जेक्ट को जो जो यूनिट में है, जो भी सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो इस तरीके से हाइलाइटर का यूज कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, इतनी मोटी बुक अगर आपको रिवीजन करने के टाइम पे आप खोलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मोटी बुक देखकर ही आदमी थक हार जाएगा पहले से। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि कितने जो कम पेज में पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया है, और बाकी जो पेज बचता है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि नोट बनाने का जो तरीका मेरा कैसा है। तो अगर आप लोगों को मेरा नोट बनाने का तरीका पसंद आता है तो आप भी ऐसा नोट्स बनाइए। और मेरा ये चैनल नया नया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर कोई आपका फ्रेंड्स नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ये सब कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी ये सब देख के फिर मोटिवेट होकर आगे ऐसी वीडियोस बनाते रहें और अपना नोट शेयर करते रहें। तो थैंक यू सो मच।